फेनाजेब 12.5 mg टेबलेट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि ये कहाँ पर काम में ली जाती है, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेने के बाद, इसकी सावधानी क्या है, कितने दिन तक यूज करनी चाहिए, क्या इसकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो को, पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, फेनाजेब 12.5 mg जो टेबलेट है ये सन फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट आता है मार्केट में। इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है पेरोक्सीटिन 12.5 mg के साथ साथ क्लोनाजेपाम 0.5 mg। देखिए कहाँ पर काम आता है जानेंगे फुल डिटेल में। ये दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ली जाती है, सेल्फ यूज इसका मत कीजिएगा, शेड्यूल एच के अंदर ये आती है। देखिए ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। देखिए ये मानसिक रोग में काम आने वाली दवा है। अगर व्यक्ति को मानसिक रोग हो गया है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, सारे दिन भर उदास रहता है, पूरा जगा रहता है, नींद नहीं ले पा रहा, तो दोस्तों इन कंडीशन में काम में ली जाती है। नींद लाने के लिए भी काम में ली जाती है। किस तरीके से काम करती है दोस्तों, देखिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं, जैसे कि गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, तो सेरोटोनिन के लेवल को ये बढ़ाती है। सेरोटोनिन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि खुशी का एहसास कराता है व्यक्ति को, जो थॉट्स है वो पॉजिटिव में बदलता है। तो इस तरीके से काम करती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर। डोज की बात करें, एक टेबलेट ले सकते हैं, एक से आराम नहीं आ रहा डॉक्टर को बताइएगा, सुबह शाम भी हो सकती है। इसकी सावधानी ये है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ मत कीजिएगा, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। गाड़ी चलाते समय भी डोज मत लीजिएगा, नींद आ सकती है। एल्कोहल के साथ इसका यूज मत कीजिएगा, रिएक्शन हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट है, लाइट सतत रह सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, गला सूख सकता है या कुछ लूज मोशन भी लग सकते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ये 25 mg में भी आती है और LS भी आती है, फेनाजेब LS भी ये आती है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी वीडियो भी आपको वीडियो देना है।